अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियां मुहम्मद अफसल बट्टू ते तुसीं वेखदे पए हो डिजिटल किसान पाकिस्तान। किसान वीर भराओ, अज आपां गए सी शहर ते याद आया भी आपां नूं कुछ 4 बोरियां खाद की लोड़ सी यूरिया की, ते उत्थे पता किया जी ते खाद रेट जिहड़ा है आसमान ते पहुंचिया होया 4700-4800 रुपये की बोरी मिलती पई सी। ते आ जबरदस्त यूरिया जिहड़ी है ये 5000 दी लभदी पई सी। ते अगर उन्हां नूं कहीए भी रेट घट करो तो वह कहें बई खाद ही कोई नहीं हैगी, तो खाद उन्हें की हुई है बे दुकानदार ने। तो हम जिन्हों को आप खाद ली है वह भी समझ लो भी बिल्कुल वो बड़े दुकानदार, बिल्कुल छोटे जे दुकानदार सन, लेकिन उन्होंने भी खाद सज्जे खब्बे रखी हुई सी। तो उन्हें कहा भी भट्ट साहब तुहाडी जिहड़ी ना असीं इज्जत करने हैं, तुसीं भाई हो, लेकिन साढ़े को खाद कोई नहीं, तुहानूं अगों मंगवा के देने हैं। तो यह भाई उन्होंने आपां मंगवा के दी जी जबरदस्त यूरिया 5000 के हिसाब नाल। तो जी है एंग्रो यूरिया या सोना यूरिया वह 4700 की बोरी 4800 की बोरी सन लभदी पई है। तो जी इंतजामिया है जिन्हें सानू कंट्रोल रेट से खाद लैके देनी है वह बिल्कुल नाकाम हो गई है। तो जोड़े साढ़े किसान है वह भी नाकाम है, क्योंकि मजबूर है जिन्हें वाटर लावना है उन्होंने यूरिया की जरूरत हैगी है, लेकिन अफसोस किसानों एक खाद मुहैया नहीं की जा सकती। दफ्तर एसी साहबान या डीसी साहबान जिन्हों का काम है आके प्राइस लिस्टा जड़िया ने कंट्रोल रेट से किसानों तक ना खाद पहुँचावन। जिस तरीके जो कणक पक जाती है तो आर्डर आ जाता जी, ना फूड इंस्पैक्टर आ गया जी, वह कहता 25 मन की पॉलिसी हैगी हुकूमत पंजाब की, 25 मन तुम रख सकते हो तो बाकी सारी खा दूसरा गंदम जी है वह सेंटर से सुट्टो। तो किसान मजबूर है, किसान तो फिर सेंटर से अपनी गंदम देता है घाटे ना दे, क्योंकि अगर वो को ट्राला ट्रैक्टर है तो फिर भी ठीक नहीं, तो किराए से भी लोड करके उत्थे पहुँचाता है। लेकिन जो किसान की वारी आती है उदो सानू जनाब ये ब्लैक माफिया जिहड़ा ब्लैक मार्केट ये सानू साडी बल्कि खल साडा खून जिहड़ा ये निचोड़ती पई है। तो जितने भी अफसरान ने बाला है ने अपने दफ्तर बैठे ने ते तमाशा किसानों का वेंदे पे ने। यह तमाशा कदों बंद होगा? हुण तुसी अंदाजा लगाओ भी मुल्क दे विच ऑपरेशन जारी है नौजवानों के खिलाफ जिन्हों को लाइसेंस नहीं है, धड़ल्ले नाल अपना जनाब काम सर अंजाम देंदे पे ने, किसी की जरूरत नहीं कोई लंघ जाए सज्जे जाए या खब्बे जाए, उस वक्त बगैर लाइसेंस खास छोटा है बड़ा है फट फट के FIR दर्ज करते पे ने। तो जो साडी किसानां दी वारी आती है खादा वड्डे वड्डे स्टोर हजारां लखां बोरियां पईयां हैगियां ने उन्हां दे खिलाफ ऑपरेशन नहीं हुंदा, समझ तो गल बाहर होई खड़ी है भी उन्हां दे खिलाफ कदों होवेगा ऑपरेशन, तो किसान नूं कदों उहदा हक मिलेगा। तो क्या किसान जिहड़ा है तुहाडे वास्ते गल्ला पैदा करता है, हर फसल पैदा करता है, तो तुसीं जनाब हुकूमत जिहड़ी खास करके किसानों नूं किसी किस्म की सहूलत नहीं, अगर डालर घटिया तो ट्रैक्टरां दी कीमतां नहीं घटियां, ज़राई हालात दी कीमतां नहीं घटियां, खादा ते स्प्रेवां दी कीमतां डबल हो गई ने, लेकिन किसान की फसल जिहड़ी है मुंजी का तुसीं रेट लो 1000-1500 रुपया मन मगरू उड़ गया है, कपास जिहड़ी है उहदा रेट जिहड़ा घट गया, कनोले का रेट घट गया, मकई जिहड़ा बंदे तौबा करदे पए ने कहिंदे ने बिल्कुल मकई हुण सारी जिंदगी असीं मकई नहीं लावांगे, ते किसान किहड़े पासे जावे। हमेशा जदों भी हुकूमत अपना कोई बनाती है बजट भी इस वक्त जो पाकिस्तान इन्नी खुराक की लौड़ है उस फिर कहें भी जो सा टारगेट है कणक का यह पूरा नहीं हुंदा, फिर जाते हैं रूस वाले किसी होर मुल्क वाले उधर इजाफी पैसे दे के, तो साडे जिहड़े मुल्क नूं खजाने नूं लौड़ है डालर की वह डालर भी उधर ही मुंतकिल हो जाते हैं, तो गैर मुल्की किसान नूं फायदा दिता जाता है, अपने मुल्क के किसान नूं फायदा नहीं देंदे। तो जदों तक अपने किसान नूं यह फायदा नहीं देवणगे पाकिस्तान की जिहड़ी मुईशत है ज़रात वह रीढ़ की हड्डी है, मेरा ख्याल है भी ये रीढ़ की हड्डी नूं हुकूमत तोड़न ते लग गई है भी ना होवेगा बांस तो ना बजेगी बांसरी, ये उही गल की खड़े है ने भी किसान ना होगा ना फूड होगा, फिर जनाब ये बाहर के मुल्कों मिन्नत करे कदे रूस की कदे चाइना की भी सानू खुराक दो, तो मेरा ख्याल भी खुराक फिर इन्हों लभनी नहीं हैगी। तो बेहतर है भी अपने दफ्तर में बैठे एसी साहबान या डीसी साहबान उन्होंने थोड़ा जि एक्टिव करो और थोड़ा जहा जनाब फील्ड आवन, तो जेड़े जेड़े जरायत सॉरी जेड़े जेड़े मेन डीलर है खास करके खाद माफिया के उन्होंने बड़े वे वे स्टोर है उत्तर छापे मारन, तो इन्होंने सजा देवन, अगर तुम उन्होंने जुर्माना लाओगे 50,000 या 1,00,000 रुपया वह 100 रुपया बोरी वगलों बधा दे सन दे, उन्होंने अगर
200 बोरी वेग गई वह पैसे उन्होंने जुर्माने के पूरे हो जासन दे ते बेहतर है इन्हों कोई सजा दो जिस तरीके हम एफ आई आर नौजवानों से दर्ज हो रही बगैर लाइसेंस वाले से वो सीधे थाने जाते पेने जिन्हें भी है दोस्त जितने भी दोस्त है बल्कि इन्हों मैं दोस्त नहीं कह सकता जखीरा अंदोजा जिन्हें भी जखीरा अंदोज है इन्हों जेल के पिछे बंद करो ताकि किसानों जोड़ा ना जो किसानों मार पी पी है महंगाई की उस तो किसान की जान छुटे तो अंदाजा लगाओ जी दो बोरिया दो अगर चार बोरिया पर हथे लिया तो सीधा सामा 20,000 रुपया तो अंदाजा लाओ भी 3200 की जी है एंग्रो यूरिया या सोना यूरिया वो 4800 4700 की लभदी पई है तो सानू उन्हें विखाई नहीं आ रहा यह उन्हें अपन दी है जी आप लै आती है तो मेरा ख्याल है भी मेरा काम से एहतजाज करना अपनी आवाज़ उठानी किसानों की तो किसानों तक हुकूमत तक पहुँचावनी अगे हुकूमत का काम है इस पर अमल करे लेकिन जिनी देर किसान इकट्ठे नहीं होवेंगे जिस तरीके चढ़ते पंजाब के हिंदुस्तान के किसान इकट्ठे हुए हैं उन्होंने जनाब डंडे के जोर से अपने मुतालबा मनवाए ने हुकूमत तो फिर जाके उन्हें सुख का सह लिया है तो साढ़े भी जिनी देर किसान इकट्ठे नहीं होंगे उन्नी देर ये आए रोज़ जोड़े ने एक खत्म महंगी होवेंगे एक होर मजे की गल मैं दसदा चला दुकानदार मैंने कहें भी साढ़े जेडे उत्ते बैठे ने व्डे दुकानदार मेन डीलर वो कहें भी चार दिन मजीद लुका लो ये लोग तो को पाँच की बजाय छे की भी बोरी लवन तैयार ने जमींदार उन्हें लैनी लैनी है तो बस एक बार इन गायब कर लो तो अगर जिस तरीके ऑपरेशन होया चीनी के खिलाफ उस तरीके खाद के खिलाफ ऑपरेशन हो जिदी भी खाद इन्हें स्टोरेज नज़र आए उस पकड़न तो गौरमेंट के रेट से किसानों देवन तो उम्मीद है भी मेरा जोड़ा पैगाम है हुकूमत तक पहुँचेगा तो हो सकता भी कोई ना कोई अफसर जोड़ा ना गैरत खावेगा तो जरूर जोड़ा ना किसानों उन्हों का हक लैके देगा हम मैंने तो इजाजत भरा मियाँ मुहम्मद अफसल बट्टू अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।